भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस वक्त चार मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही है। चार टेस्ट मैचों के दो मुकाबले हो चुके हैं जहां भारत ने जीत हासिल की है और 2-0 से टीम इंडिया इस वक्त सीरीज में आगे चल रही है। वहीं बात करें अब तीसरे मुकाबले की तो 1 मार्च यानी कि कल से इंदौर के होलकर मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया के प्लेइंग 11 को लेकर चर्चा होने लगी है। दरअसल केएल राहुल लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और उन्हें बाहर करने की बात की जा रही है। शुभमन गिल को उनके बदले टीम के अंदर प्लेइंग 11 के अंदर जगह देने की बात की जा रही है। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो इंदौर के होलकर मैदान पर होने वाले तीसरे टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों ही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों ही भारतीय टीम की बल्लेबाजी को संभाल सकते हैं। टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी में दोनों बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और क्यों ऐसी बातें सामने आई हैं उसके बारे में आपको जानकारी दें तो शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों ही इस वक्त होलकर के मैदान पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सोमवार को भी जब भारतीय टीम होलकर के मैदान पर प्रैक्टिस करने पहुंची तब शुभमन गिल सबसे पहले वहां पहुंचे। उन्होंने आते ही स्पिनर गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी की प्रैक्टिस की। राहुल द्रविड़ खुद उन्हें लंबे समय तक प्रैक्टिस करवाई। रविंद्र जडेजा आर अश्विन की गेंदबाजी का उन्होंने सामना किया। इसके बाद केएल राहुल भी वहां आए, उन्होंने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने बल्लेबाजी की और काफ़ी देर तक दोनों एक ही जगह मौजूद रहकर प्रैक्टिस करते नजर आए और दोनों ने काफ़ी स्पिनर्स के सामने बल्लेबाजी की। स्पिनर्स के सामने बल्लेबाजी करने की बड़ी वजह इंदौर के होलकर मैदान की तैयार की गई पिच भी मानी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि तीसरे टेस्ट मैच को लेकर पिच तैयार की जा चुकी है। पिच की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके मुताबिक बीच में काफ़ी घास देखी जा रही है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि शुरुआती 2 दिन में बल्लेबाजों को काफ़ी मदद मिलेगी, बल्लेबाजी के लिए पिच अनुकूल होगी। इसके बाद तीसरे दिन से ये पिच टूटना शुरू हो जाएगी और टूटने के साथ ही 5वें दिन तक पिच पर स्पिनर्स गेंदबाजों को काफ़ी मदद होगी। बहरहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक जो मुकाबले खेले गए हैं वहाँ भी स्पिनर्स को ही मदद मिली है। रविंद्र जडेजा टेस्ट सीरीज के 2 मुकाबलों में ही 17 विकेट चटका चुके हैं। टॉड मर्फी जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर गेंदबाज हैं वो भी 10 विकेट चटका चुके हैं। आर अश्विन भी 12 विकेट चटका चुके हैं। वैसे में अब होलकर के मैदान यानी कि इंदौर के मैदान पर एक बार फिर से स्पिन गेंदबाजी हमें देखने को मिल सकती है और बल्लेबाजी के लिए भी ये पिच अनुकूल बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी आपको जानकारी दें, पैट कमिंस अपने घर जा चुके हैं, अपने घर पे किसी काम के कारण उन्हें ऑस्ट्रेलिया वापस लौटना पड़ा। स्टीव स्मिथ अब टीम की कप्तानी करेंगे। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।